around it. Our own festival, so we should all come out and support it. And I'm really looking forward to all the movies to play curry. I'm going to watch many of those. And tomorrow I have a session, so I'm also excited about that with Anupama Chopra. So there's a lot to look forward to, and the lovely lunch which is spread, I guess. So I'm glad such an event has been kept, and it's to honor the women, I guess. So I'm really happy about it. Guneet, what do you have to say about it? And I think it's time. जब मुझे ऐसा लगता है कि जब वन वुमन ग्रोज शी ओपन्स द रोड फॉर 10 more 100 more सो हियर वी आर सेलिब्रेटिंग ईच अदर सो या मेरी फैमिली भाग रहे हैं हम चंडीगढ़ जा रहे हैं एंड सो माय पेरेंट्स आर देयर माय लॉज आर देयर सो वी ऑल आर गोना सेलिब्रेट इको फ्रेंडली दिवाली फॉर श्योर सो इट्स गोना बी देयर विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस दिवाली मेक इट इको फ्रेंडली एंड डोंट बर्स्ट क्रैकर्स से बहुत शुरू से जुड़ी हूँ जूरी रह चुकी हूँ मेरी फिल्म्स की स्क्रीनिंग हो चुकी है और मामी का अपना ही फ्लेवर है यहाँ पे फिल्म के दीवाने हैं लोग लंबी लंबी लाइनें होती हैं 17-18 वेन्यूज़ हैं एंड इट्स जस्ट गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ टॉप लेवल पे नहीं है इट्स एक्चुअली पेनिट्रेटिंग डाउन टू द ग्रास रूट्स और लोगों के बीच में फिल्म्स को लेके उसके बारे में डिस्कशंस कहानियों को लेके लोगों के बीच में ये हो रहा है विच आई लव हर साल ही कुछ ना कुछ खास होता है बट आई थिंक सबसे ख़ास बात है कि ये कहानियों के बारे में है एंड आई लव दिस इवेंट विमेन इन फिल्म क्योंकि अब तक बहुत पुरुष प्रधान रहा है ये बिज़नेस और अब जाके आई थिंक ये अगले कुछ साल आर गोइंग टू बी अबाउट वुमेन इन सिनेमा इन द वर्ल्ड सो आई एम वेरी एक्साइटेड डिजिटल मीडिया फिल्म को चैलेंज नहीं करेगा बट आई थिंक इट विल हेल्प फिल्म्स टू बिकम बेटर एंड इम्प्रूव बिकॉज डिजिटल इज़ प्रोवाइडिंग कॉन्टेंट विच इज़ उस तरह की कहानियाँ हमने सुनी नहीं है हमेशा बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ मामी फेस्टिवल का क्योंकि वो लोग इतनी अच्छी अच्छी फिल्में दुनिया भर की लाते हैं जो हम देख नहीं पाते अनलेस यू गो टू दैट फेस्टिवल आप कहाँ से देखेंगे तो इस बार तो लाइनअप बहुत ही ज़बरदस्त है और उम्मीद है कि काफ़ी मैंने बल्कि इस बार एकदम टाइम निकाल के रखा है ताकि मैं खूब सारी फिल्में देख सकूँ इस बात तो इस फेस्टिवल की यही है कि देखिए इतनी सारी फिल्में आती हैं इतने सारे फिल्म मेकर्स आते हैं जैसे मुझे मौका मिला इन्होंने कहा है कि मैं कॉन्वर्सेशन करूं जो इंटरनेशनल ज्यूरी के जो प्रेसिडेंट हैं यानी हानी अबू असद उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन करूं तो उनके बारे में मैं रिसर्च कर रही थी उनसे बात करने का मौका मिलेगा उन कैसे दूसरे फिल्म मेकर सोचते हैं क्या करते हैं तो एक इंटरेक्शन से ही तो इंसान ग्रो होता है और शहर के लिए तो एक बिल्कुल गिफ्ट है क्योंकि आप देखते हैं हर जगह लाइनें लगी हैं लॉट ऑफ यंग पीपल आर वॉचिंग फिल्म्स इसलिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि औरतों के लिए अलग से विमेन इन सिनेमा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पर क्योंकि औरतों की तादाद इतनी कम है बिहाइंड द कैमरा उसको ज़रा पुश देने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके बारे में बात करते रहें और यंग फिल्म मेकर्स और क्रू जैसे जो सिनेमाटोग्राफी कर रहे हैं जो आर्ट डायरेक्शन कर रहे हैं जो साउंड कर रहे हैं जो सारा फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में एक्ट्रेसेस तो हमेशा से रही हैं लेकिन फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में और ज़्यादा औरतें जुड़ें ताकि उन सब की कहानियाँ भी सामने आएँ उनको भी एक मौका मिले हम सबको मौका मिले तो उसके लिए आज हम यहाँ आए लॉट्स ऑफ प्रेज फॉर स्मृति किरण एंड फॉर द एंटायर मामी फैमिली फॉर पुटिंग दिस मैमथ फेस्टिवल अप ईयर आफ्टर ईयर एंड ब्रिंगिंग वर्ल्ड सिनेमा टू बॉम्बे सो हम सब बहुत एक्साइटेड हैं कि अभी अगले 7 दिन के लिए बहुत सारी फिल्म देखने का मौका मिलेगा बम्बई वासियों को हर साल से क्या कहते हैं जो फेस्टिवल है वो पिछले साल से बड़ा होता जा रहा है विच इज़ अ गुड थिंग एंड मैं कामना करती हूँ कि जैसे इंटरनेशनल बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल्स हैं मुंबई फिल्म फेस्टिवल भी उन्हीं ऊँचाइयों तक पहुँचें